पूरा भर भर के ले लिया होगा। भर भर के लिए हैं, लेकिन मिलाने में दिक्कत हो रहा था, नहीं मिलाने के लिए लेकिन ये लिए थे। वैसे हम लोग का क्रेविंग अजब सा क्रेविंग हो रहा है, अचानक से पॉपकॉर्न खाने का मन कर लिया, तो हम लोग मल्टीप्लेक्स के अंदर आ गए, तो यही हमारा मिला लिया। ये देखिए बैठ के गेम खेल रहा है, मेरे को बोलता और खुद गेम खेल रहा है, खुद गेम खेल रहा है उसका खेल। देखो ना, ये देखो, बस होने ही वाला है, होने वाला है। हम भी खेलते खेलते भी पता है कितना में पहुंच गए, 300 में पहुंच गए, बहुत कम। जब तुम्हारा बताया था ना कि लवली 800 तक में पहुंच गई है, तो काफी लोगों का कमेंट आया था 11,000 में, कोई 7,000 में। भाई हम लोग का ये काम नहीं है, और भी बहुत सारा काम है। ये बीच में अभी लाइक मेरे को आदत लग गई, ये खेल दिया देख देख के आदत मेरे को भी लग गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देख सकते हो, रोड से कर रहे हैं, वो भी चेन्नई की सड़कों से कर रहे हैं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा मॉल जा रहे हैं, और बहुत कुछ हमें लेना भी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। तो हम लोगों ने सोचा चलो मॉल जाते हैं, वहाँ तो सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो वही हम लोग जा रहे हैं। और देख सकते हो कुछ नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और जो हम लोग मॉल जा रहे हैं, वो चेन्नई का वन ऑफ द बोल सकते हैं बिगेस्ट मॉल है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए मॉल पहुंचकर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और नज़ारे के तो क्या ही कहने। तो और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और बातों बातों में हम लोग पहुँच गए हैं एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल, जैसा कि देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत मॉल है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, और बहुत ही ज़रूरत ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है, तो जो भी परचेस करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए इसके अंदर चलते, अंदर जाके वीडियो को कंटिन्यू करते। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। अभी हम लोग एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल के अंदर आ गए हैं इसी तरह घूमने के लिए, जैसा जो करेंगे बताएंगे आप लोगों को। वैसे ही तो हम लोग किसी भी सिटी में जाते हैं तो मॉल वगैरह में घूमते ही हैं, तो आज उसी तरह घूमने के लिए आए। अगर कुछ करेंगे या फिर कुछ परचेस भी करते हैं तो वो भी दिखाएंगे। से मेरे को और मोहित को पॉपकॉर्न खाने का क्रेविंग हो रहा था, तो हम लोग मल्टीप्लेक्स में आ गए खाली पॉपकॉर्न खाने के लिए, जैसा कि देख सकते हो। अलग ही क्रेविंग होता है ना हम लोगों को, तो हमारा पॉपकॉर्न आ जाता है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, आप लोगों को तो वैसे पता ही है कि 30 डेज से हमारा ट्रैवल हो रहा है, कंटिन्यू ट्रैवल हो रहा है, जिसके वजह से सारे जो मेरे कपड़े हैं सारे यूज़ हो चुके हैं। और होता है ना, पहन के यूज़ करना है, कपड़े से स्मेल आने लगता है, धोने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यू हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा शॉपिंग करा है, जो कि बेस्ट डिस्काउंट में मुझे मिले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि देख सकते हो मैंने ये शॉपिंग करा है, रूम पहुँच कर आप लोगों को दिखाती हूँ और बेस्ट डिस्काउंट में। ये पॉपकॉर्न लेके आ गया है, पूरा भर भर के ले लिया होगा। भर भर के लिए, लेकिन मिलाने में दिक्कत हो रहा था, नहीं मिलाने के लिए लेकिन ये लिए थे। वैसे हम लोग का क्रेविंग अजब सा क्रेविंग हो रहा है, अचानक से पॉपकॉर्न खाने का मन कर लिया, तो हम लोग मल्टीप्लेक्स के अंदर आ गए, तो यही हमारा, तो यही हम लोग अपना पॉपकॉर्न इंजॉय करते हैं, बट मूवी नहीं चल रहा है, हम लोग बस इसी तरह खाने के लिए आए, खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो यही है एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल, एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल, यहीं से हम लोगों ने शॉपिंग करा। और देख सकते हो काफ़ी बड़ा मॉल है, ये PVR है, इसी में हम लोगों ने अभी पॉपकॉर्न खाया। अच्छा था पॉपकॉर्न, अभी मेरे को चाय पीने का क्रेविंग हो रहा है, चाय बस कहीं मिल जाए बस। तो मुझे जो लेना था मैंने तो ले लिया है, तो मोहित को भी कुछ टी शर्ट्स लेने थे, तो उसने वापस, हम लोग ट्रेन में आ गए, तो वो तो गया है ट्रायल के लिए, तो वो ट्रायल करेगा, तो मैं यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास कर रही हूँ बस। वो आता है तो वापस हम लोग निकलेंगे होटल के लिए। तो फाइनली अपना शॉपिंग वगैरह तो हो गया है डन, तो हम लोग अभी अपने ऑटो कैब का वेट करें, जो भी मिल जाए निकल जाएंगे होटल के लिए। कि मॉल दिखने से इतना बड़ा, तो वॉक करते करते वैसे पैर में दर्द होने लग गया, तो जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और डिनर भी हम लोगों ने कुछ करा नहीं है, डिनर भी हम लोगों को करना है, तो हम लोग देख रहे हैं जो मिल जाए वही लेके चलेंगे। और ये हमारा शॉपिंग का बैग, क्योंकि मैं होटल पहुँच के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फाइनली हमें एक ऑटो मिल गया है, जैसा कि देख सकते हो, चलिए चलते। और ये हमारा शॉपिंग बैग, जो होटल पहुँच के दिखाएँगे हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करा है, और बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया है, तो चलिए चलते उसके होटल पहुंच के डायरेक्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग कुछ रास्ते के शॉर्ट्स तो बोल नहीं सकती, जो भी आप लोग एंजॉय करो, होटल पहुंच के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हम लोग अभी मॉल से होटल में आ गए वापस से, और शॉपिंग तो करने का कुछ था नहीं, मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था, बस जरूरी जरूरी चीज़ें सोचे थे हम लोग लेने के लिए, तो जरूरी जरूरी चीज़ें ही हम लोगों ने लिया है।
और अभी मोहित गया हुआ है वॉशरूम, तो मैं दिखाती हूँ मैं हम लोगों ने क्या क्या लिया। वो रहेगा तो दिखाने ऑलमोस्ट नहीं देता, और आप लोग उसके वीडियो में शायद देखे भी नहीं होंगे वो क्या शॉपिंग करता है क्या नहीं करता है। तो चलिए मैं फटाफट उसके आने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या परचेस करा है। तो ये देख सकते हो इतना हम लोगों ने परचेस करा है, लेकिन इसमें बहुत सारे सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें ही हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे ये मोहित का बैग आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, वो लेके ट्रैवल वगैरह में यही लेके निकलता है। तो ये देख सकते हो इसका जिप पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब ये टूट चुका है। ऑन द वे हम लोग मॉल से निकल ही रहे थे तो टूट चुका है ये, तो उसको इमरजेंसी में ये स्लिंग बैग परचेस करना पड़ा। तो ये देख सकते हो एमरजेंसी के लिए ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका उसमें इम्पोर्टेंट फ़ोन वगैरह और भी पर्स मनी पर्स वगैरह सब रहता है ना। तो ये एक हो गया, ये हम लोग का शावर जेल ख़त्म हो चुका था इसलिए हम लोग को परचेस करना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग का 30 डेज से ओवर हो रहा है घर से बाहर निकले हुए, तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी। तो ये देख सकते हैं शावर जेल हमने लिया, अंडर आर्मर ब्रांड का है, और ये उस मोहित ने टी शर्ट खरीदा, उसके वीडियो में आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो उसके शॉपिंग करते हुए, वो अभी वॉशरूम में गया हुआ इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बात भी करूँ, अभी निकल जाएगा तो बस स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो ये देख सकते हो टी शर्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना कलर, वैसे उसका फेवरेट कलर ब्लू भी है। और ये देख सकते हो, ये आप लोगों को पता ही होगा उसने अभी डाइटिंग वगैरह स्टार्ट करा है, और एक्सरसाइज वगैरह मशीन भी उसके घर में आ चुका है। तो अभी हम लोग वापस से कोलकाता जब जाते हैं तो उसका देख लीजिएगा, उसका मतलब आराम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए उसने ये ग्लव्स भी परचेस कर लिया, मतलब डाइटिंग उसने पूरा भी फोकस करके रखा है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, वो दिखाता ही नहीं है, वो वॉशरूम गया इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। देख सकते हो ये मेरा हमेशा की तरह जब भी निकलती हूँ टूर पे तो ख़त्म ही हो जाता है। तो ये मैंने अपना शैम्पू और ये मास्क परचेस करा है, लेकिन यही है कि इसका मुझे सीरम भी चाहिए था बट उनके पास सीरम अवेलेबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरत की चीज़ है। और ये देख सकते हो, ये हम लोग मॉल में थे तो मोहित के सब्सक्राइबर ने उसको गिफ्ट करा है, और ये जो कि डाइटिंग से रिलेटेड है उसका डेट से इसमें, और डाइटिंग के ऊपर उसने फोकस करा है, तो वीडियो में आप लोगों ने उसके देखा ही होगा, तो उनके सब्सक्राइबर ने ये उनको गिफ्ट करा है डेट्स, जो कि बहुत ही काम का चीज़ है, और वैसे भी हम लोग का डेट्स ख़त्म भी हो गया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये देख रहे हो, ये हम लोगों ने लाइफस्टाइल से शॉपिंग करा, जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया, वो भी मैं दिखाती हूँ। मेरा और मोहित दोनों का ही है, तो पहले मैं अपना दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हो, ये कुछ ये ट्रैक सूट है कप्पा का, और बाय द वे मैं कप्पा का ही ट्रैक सूट वगैरह यूज़ करती हूँ तो मुझे उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो उसी ब्रांड का मैंने ये ट्रैक सूट ले लिया, जैसे दो ट्रैक पैंट है और ऊपर दो टी शर्ट है, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गए इसलिए मैंने ले लिया। और ये मोहित का है, इसमें पूमा का दो टी शर्ट है और एडिडास का दो टी शर्ट है, ये भी हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया, तो ये हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि हम लोग का जो पुराना कपड़ा था जो कि ओवर 30 डेज हो गया, तो सब हम लोग पहन के यूज़ कर चुके हैं, तो बहुत इन शॉर्ट में बोलूँ तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, इसलिए हम लोग को शॉपिंग मतलब कपड़े लेना ज़रूरी था, अभी हम लोग का एकदम वैसे भी बाकी हुए। तो यही कुछ था हम लोग का शॉपिंग हम लोग का जो कि देख सकते हो। तो चलिए अब इसको फटाफट रख देते हैं जगह पे उसके आने से पहले, नहीं तो आगे फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जाएंगे डिनर के लिए, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, डिनर से ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए शिव सागर रेस्टोरेंट में, और ये देखिए बैठ के गेम खेल रहा है, मेरे को बोलता और खुद गेम खेल रहा है, खुद गेम खेल रहा है उसका देखो ना, ये देखो बस होने ही वाला है। हम भी खेलते खेलते भी पता है कितना में पहुंच गए, 300 में पहुंच गए, बहुत कम। जब तुम्हारा बताया था ना कि लगभग 800 तक में पहुंच गई है, तो काफी लोगों का कमेंट आया था 11,000 में, कोई 7,000 में, भाई हम लोग का ये काम नहीं है, और भी बहुत सारा काम है। ये बीच में अभी मेरे को आदत लग गया, ये खेल गया देख देख के आदत मेरे को भी लग गया। वैसे हमारा खाना भी आया नहीं है, खाना आ जाए तो दिखाते हैं आप लोग को, और रेस्टोरेंट पूरा पैक्ड है। तो यहाँ आके मोहित का मतलब मैंडेटरी है 30 इडली खाने का, तो उसने अपने लिए यही ऑर्डर करा, मैंने आज साउथ इंडिया से थोड़ा हटके ऑर्डर करा, आ जाए तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने अपने लिए तवा राइस ऑर्डर करा है, जो कि वेजेस और राइस का ही कॉम्बिनेशन है। चलिए इसको खाते हैं, खाने के बाद बता देंगे आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा है, और संग में इसके साथ रायता भी है।
तो चलिए अपना डिनर एंजॉय करते हैं, खाने के बाद मिलते हैं।